हेलो लिसनर्स। तो या आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस, ब्यूटी कॉन्शियस हो गया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना पहुंचे लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ ज़रूर हो। यस, तो हेल्थ कॉन्शियस के बारे में भी मैंने बात तो किया ही हुआ है जो मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह उसके जो पॉडकास्ट हैं। और अब आते हैं जो ब्यूटी कॉन्शियस का है। अब अगर हम डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो लोग रेफर करते हैं कि जो लोग 20 साल से ज़्यादा हैं तो उन लोगों को सीरम्स या लोशन, सनस्क्रीन्स वगैरह सब कुछ यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब 20 साल से ऊपर जो भी हैं, अबव 20 ईयर्स, हर कोई ये सब यूज़ करना ज़रूरी हो गया है हर किसी के लिए, क्योंकि जो हमारा जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, इतना पोल्यूटेड हो रहा है। तो हर किसी के लिए अब ये मैंडेटरी हो गया कि सभी को अपनी जो त्वचा के लिए हमें जो करना होता है, बहुत अलग अलग सीरम्स आ रहे हैं मार्केट में जिनमें केमिकल्स हैं वगैरह, जो हम ज़्यादातर हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही सिंपल और हमारे जो घर में जो आइटम्स मिलते हैं उसी से हम जो बना सकते हैं फेस पैक्स वगैरह, मैं आज बताने वाली हूँ। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहला वाला है बेसन का। सबको पता है कि बेसन बहुत ही कमाल का जो प्रोडक्ट होता है हमारे फेस पैक्स के लिए। आप बेसन को किसी के साथ भी मिला सकते हैं। आप बेसन और दही का फेस पैक लगा सकते हैं, बेसन और दूध का फेस पैक लगा सकते हैं, बेसन और शहद का। मतलब बेसन को अब हम ऑब्वियसली ड्राई बेसन तो अपने मुंह पे नहीं लगा सकते ना, तो उसको हम डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें शहद मिला सकते हैं, रोज वाटर मिला सकते हैं, दूध, दही, और आप क्या कर सकते हैं, घी या तेल भी आप मिला सकते हैं अगर किसी की स्किन क्या है, ड्राई है। ओके, तो अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि बेसन, 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच नींबू पानी और आधा चम्मच हल्दी, हो सके तो अगर आपको मार्केट में मिल रहा हो तो कस्तूरी हल्दी ले लीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसको अपने चेहरे पर पूरी जगह इवनली स्प्रेड करके पूरी पूरे चेहरे पर सब कुछ कवर करके लगाइए लगभग 15-20 मिनट तक, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से पोंछ लीजिए, पहले गीले कपड़े से इसको वाइप ऑफ कर लीजिए और फिर अपने फेस को अच्छे से धो लेना। और ज़रूर आप इसको नॉर्मल पानी से धोने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आप गर्म पानी, यूजुअली तो कहते हैं कि चेहरे पर गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आप हो सके तो आप नॉर्मल पानी या ठंडा पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो भी आप फेस पैक ट्राई कर रहे हो, एक बार उसका एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आप कहीं पर अपने हाथ पर, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप किसी चीज़ से अगर एलर्जिक हो। कई लोगों को मतलब बेसन से भी एलर्जी होती है, सो बेसन हल्दी वगैरह से जो भी हो, तो एक बार आप हर एक फेस पैक को ट्राई करने से पहले एक आप उसका पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब मैं दूसरा फेस पैक बता रही हूँ, ये है पुदीना का, ठीक है। पुदीना की तो हम चटनी ज़रूर बनाते हैं, लेकिन पुदीना को अपने फेस पर इस्तेमाल करने से भी जो भी हमारी जो बैक्टीरियाज जो होती हैं चेहरे पर या फिर डेड सेल्स जो होते हैं, हर किसी चीज़ को ये पुदीना ज़रूर साफ़ कर देता है। क्योंकि हमारे जो भारत के जो ये जो छोटे छोटे श्रब्स, छोटी छोटी जो प्लांट्स हैं, जैसे नीम हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गए, इन हर किसी में मेडिसिनल वैल्यू है। हर किसी से हमें कुछ ना कुछ जरूर ऐसा मिलता है जो हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब या आप पुदीना के 10-15 पत्ते ले लीजिए और इसमें भी हम आधा चम्मच हल्दी डाल लेंगे और इसको थोड़ा और गाढ़ा बनाने के लिए बेसन भी डाल लेंगे और इन सबको मिलाकर हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। मिक्सी में हम इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर हम इसका भी एक पेस्ट बनाकर, अगर आपको मतलब इसमें और थोड़ा सा अगर आपको लिक्विड कंसिस्टेंसी में चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको भी हम 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पर इवनली स्प्रेड करके लगा लेंगे और फिर इसको वाइप ऑफ करके अच्छे से धो लेंगे। तो ये जो भी फेस पैक्स मैं बता रही हूँ, हर किसी को आप हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं, ठीक है। दो बार आप लगा सकते हैं अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो, लेकिन एक बार लगाना ठीक रहेगा, ठीक है।
अब हाँ, अब तीसरा वाला जो है वो है मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी ऐसी एक चीज है जिसको आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन एक तरह से खिंचने लगती है। लाइक ये क्या करती है, स्किन टाइटनिंग करती है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी स्किन टाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग, मतलब आपका जो चेहरे का जो रंग है वो भी निखर आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और इसमें 1 चम्मच रोज वाटर और आधा चम्मच शहद मिलाएंगे, ठीक है। इसको भी अच्छे से मिलाकर, इसका पेस्ट बनाकर इसको एकदम से अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ी देर भी अगर छोड़ दोगे तो ये फिर से गाढ़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही आपने मिक्स कर लिया है, आपकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा भी पतला ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो इसको आराम से स्मूथ पेस्ट बनाकर इसको भी चेहरे पर, इसको आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो चीज़ें जो स्किन टाइटनिंग करती हैं, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा देर भी नहीं रखना चाहिए चेहरे पर, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से क्या हो जाता है कि चेहरे पर रिंकल्स आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी सूख जाता है ना, तो उस पर ही वो लाइन बन जाती है, ठीक है। तो फिर ना ज्यादा देर ना कम, तो मीडियम आप 20 या 25 मिनट इसको लगा लीजिए और इसको भी आप वाइप ऑफ करके अच्छे से धो लीजिए। तो ये सारी जो चीजें हैं हफ्ते में एक बार आप फॉलो कीजिए। हमें कोई भी केमिकल्स या कुछ भी मार्केट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी फेस पैक्स बाहर के जो भी हम मंगवाते रहते हैं, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप ट्राई कीजिए और ज़रूर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ एकदम से तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, एटलीस्ट 1 महीना आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आपके जो भी रिएक्शंस है ज़रूर लिखिए, और या मैं और भी थोड़े और फेस पैक्स के साथ अगले पॉडकास्ट में मिलूंगी। बाय।